नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शशि आर्ट एजुकेशन में। मैं हूं आपके साथ शशि मौर्या। तो जैसा कि हम आज लेकर आए हैं आदि कला के जीवों का विकास क्रम, तो आदि काल जो है आदि काल के जीवों का विकास क्रम में हम देखिए पहला जो बात करते हैं एजोइक युग। एजोइक युग जो है, अब देखिये एजोइक युग में आज से जो है लगभग 1,50,000,000,000 ईसा पूर्व जो है उसके पहले की बात की जा रही है। मतलब 1,50,000,000,000 मतलब समझ रहे, बहुत पहले, यानी कि बहुत पहले, समझ रहे हैं, 1,50,000,000,000 पहले एजोइक युग। ठीक है, एजोइक युग जो है आज से लगभग 1,50,000,000,000 पूर्व जिसे कोष्ठक जीव, कोष्ठक जीव का मतलब होता है कि जिसमें ये मछली के आकार जैसे जो मेढक होता है ना, जैसे मेढक देखे हैं, मेढक बरसात आता है, पानी जो बरसता है उसमें मेढक जो होते हैं जब जन्म लेते हैं तो उसमें देखिए ना मछली की तरह ऐसे ऐसे करके चलते रहते हैं, तो सेम उसी तरह मतलब भ्रूण में जो बच्चा जिस हिसाब से रहता है तो उसी हिसाब से वो मछली के आकार के उस तरह के जीव रहते थे। किसमें? एजोइक युग में, और उनकी पहचान करना, सारे जीव उसी तरह के रहते थे, ठीक है, तो पहचान करना मुश्किल था। अब आते हैं पोलोजोइक युग। देखिए पोलोजोइक युग में अकशेरुकी जीव मतलब बिना रीढ़ की हड्डी, मतलब थोड़ा सा विकास हुआ लेकिन ये मछली के ही आकार में थोड़ा सा बड़े रहे लेकिन रीढ़ की हड्डियां नहीं थी, उसी तरह की जैसे मछली होती है आज की, तो मछली के आकार की ही ये जीवन तब पर भी व्यतीत करते थे। ये मछली से और पहले जो मेढक के आकार के छोटे छोटे मछलियां होते हैं जिसको चांपते तो मर जाए, तो इस तरह के ये जीव उस समय होते थे। तो और इसमें जो है पोलोजोइक युग में अकशेरुकी जीव मतलब बिना रीढ़ की हड्डी वाले, ठीक है, रीढ़ की हड्डी थी ही नहीं, मतलब कि जैसे आज मछली आप देखते हैं सेम इसी तरीके से उस तरह उसमें होते थे। किस युग में? पोलोजोइक युग में। अगला है मेसोजोइक युग। मेसोजोइक युग में ये कशेरुकी जीव जो है धीरे धीरे होने लगे, ठीक है, तो कशेरुकी का मतलब जब रीढ़ की हड्डी थोड़ी सी उसका विकास होने लगा, तो ये देखिए कशेरुकी जीव की या रीढ़ की हड्डी वाले जीव किसमें? मेसोजोइक युग में, ठीक है। अगला है सीनोजोइक युग जिसमें स्तनधारी जीव आने लगे, ठीक है, तो स्तनधारी का मतलब जो दूध पिलाती है ऐसे जीव जो है इसमें आए सीनोजोइक युग में। कौन सा युग? सीनोजोइक युग में ये आए स्तनधारी जीव, और इसी काल में भी मनुष्य की ही उत्पत्ति हुई, और ये कब का समय? लगभग 20 लाख ईसा पूर्व के लगभग की बात है। तो 20 लाख ईसा पूर्व मतलब देखिये 20 लाख ईसा पूर्व यहाँ मनुष्य की उत्पत्ति हो गई थी, यानी मनुष्य आ गया था पृथ्वी पर, मनुष्य का रूप आ गया था, और कब आया था? 20 लाख ईसा पूर्व। अब देखिए आप इसको याद कैसे करेंगे, क्योंकि याद करना बहुत जरूरी है, कई बार यह प्रश्न पूछा है यूजीसी नेट में भी, कई बार इसमें भी पूछ लिया है, ठीक है, तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है। देखिए ये क्या है एजोइक युग, तो क्रम जो है यूजीसी में देखिए क्रम पूछता है, तो यूजीसी में इसका क्रम पूछ लेता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप ध्यान दे दीजिए कि आपको कैसे याद करना है इसको। अब देखिए आप लोग पढ़े होंगे कक्षा 5 में अ-अ-इ-ई, कक्षा 1 में जब लड़का लोग पढ़ते हैं अ-अ-इ-ई, तो अ-अ-इ-ई में जो है ए जो है ये ए ये उसमें आ जाता है पहले, तो पहले अ आता है और इसमें है प, ठीक है, और इसमें है म और इसमें है स। अब क्रम आप ध्यान दीजिए, अ के देखिए एजोइक में अ पहले आता है और प जो है क से ग तक में प, उसके बाद जो है अ के बाद ही प आता है, आप ध्यान रखिए अ के बाद ही प आता है और प के बाद ही म आता है, ठीक है, और इसमें स, म के बाद ही स आएगा न कि इसके पहले, आप समझ पा रहे हैं। देखिए एक बार फिर देखिए अ अ ई ई में अ जो है और उसके बाद ना ये कखा गर्भ में जो गर्भ से ज्ञातक में प जो है अ के बाद प आएगा और प के बाद प प ब भ म, तो प के बाद म आता है और म के बाद स आता है, ठीक है, तो स आता है ना, अरे भाई म के बाद ही स आएगा, आप देख लीजिए, ठीक है, तो आपको याद क्या करना है क्रम रखना। देखिए एजोइक ए से एजोइक युग, प से पोलोजोइक युग, मे से मेसोजोइक युग और से सीनोजोइक युग, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है आय पहले आएगा उसके बाद प आएगा इसके बाद म आएगा इसके बाद स आएगा, ठीक है, तो इसका क्रम आपको इधर इधर करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, इसको आराम से सही कर लेंगे, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि इसको कैसे डिफाइन करेंगे,
क्योंकि सबसे पहला एजोइक युग है, तो यानी कि ये 1 अरब 50 करोड़ पहले का है, बहुत पहले का यही है, तो सबसे पहले यही हो जाएगा। ठीक, अगर इस तरह से पूछता है। अब देखिए, अकशेरुकीय जीव किसमें थे? अकशेरुकीय जीव है पोल। पोल का मतलब क्या होता है? खोखला। पोल का मतलब खोखला होता है। अब पोल जब खोखला होगा तो खोखले में क्या रीढ़ की हड्डी होगी? रीढ़ की हड्डी वहां नहीं होगी ना, तो खोखले जीव में, खोखला जीव का मतलब यही है कि जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होगी। ऐसा जीव जो खोखला होगा तो उसमें रीढ़ की हड्डी कहाँ होगी? ठीक है, तो रीढ़ की हड्डी इसमें नहीं थी, यानी कि ये पूरा खाली था, यानी रीढ़ हड्डी विहीन था। ठीक है, तो कौन सा जीव? पोलोजोइक युग जो है रीढ़ हड्डी विहीन था, यानी कि रीढ़ हड्डी नहीं थी, आपको ऐसे समझ लेना है। और मेसोजोइक युग जो है वो कशेरुकीय जीव है, यानी कि रीढ़ की हड्डी है। आप इसको ऐसे समझिएगा कि जैसे मेस में खाना खाएंगे तभी आप मजबूत होंगे, और उसी हिसाब से जो है रीढ़ की हड्डी आपकी इंक्रीज करेगी। आप खाएंगे नहीं तो रीढ़ की हड्डी का कंडा होगी। अरे भाई, आप खाएंगे ही नहीं तो रीढ़ की हड्डी तो कमजोर हो ही जाएगी, जाहिर सी बात है। तो क्या है कि मेस में खाना खाइए और कशेरुकीय जीव यानी कि रीढ़ हड्डी मजबूत कीजिए। तो रीढ़ की हड्डी मजबूत करने का मतलब रीढ़ की हड्डी वाले जीव जो है किसमें पाए गए? मेस वाले खाने में। ठीक है, तो मेसोजोइक युग ये तीसरा है। अब चौथा को कैसे याद करेंगे? देखिए, सीनो में, सीनोजोइक युग स्तनधारी जीव। देखिए, स्तन किसमें होता है? सीनोजोइक में, सीने में ही। ये देखिए सीना है ना, सीना, सीने में ही, सीना में ही स्तन होता है। तो सीना से सीनोजोइक को सीना में ही स्तन आप थोड़ी सी क्लियर कर लीजिए इसमें। ठीक है, तो सीना में कहाँ होता है स्तन? सीना में। तो सीने के हिसाब से ही स्तनधारी जीव हो गए। तो आपको ज्यादा समझ में की कोई दिक्कत नहीं है, जब सीनोजोइक आएगा तभी स्तन आएगा, यानी कि सीने में स्तन, आप ऐसे याद कर लीजिएगा, स्तनधारी जीव। और जब स्तनधारी जीव आ गया तो इसका मतलब है कि मनुष्य की उत्पत्ति यहीं से हो जाती है। कब होती है? 20 लाख ईसा पूर्व। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और ही ऐसे टॉपिक लेकर। तो इसलिए हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि हम जो भी अपडेट्स आपको दे विजुअल आर्ट से संबंधित वो आपको तुरंत क्लिक कर जाए, यानी कि आपके फोन स्क्रीन पे आ जाए। धन्यवाद।